आज की वीडियो से किन लोगों को लाभ मिलेगा? जिन लोगों को भी आर्थराइटिस की समस्या है इनिशियल स्टेज में और आपके जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है, कटकट की आवाज़ आती है उंगलियों से, कलाइयों से, कलाइयों में बहुत ही ज़्यादा लचक नहीं है, दर्द होता है, कुछ भी चीज़ थोड़ा सा उठा ले या करवट लेके उठना है या बैठना है, थोड़ा सा अगर हैवी वेट है तो, या कि फिर टेनिस एल्बो की समस्या है, इन सभी समस्याओं में आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसके अलावा इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास अगर आप करते रहते तो धीरे धीरे ये मजबूती डेवलप होगी। आज की वीडियो में दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहली सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें अगर आपको अत्यधिक पेन है, दर्द है, तो आप ये वाली प्रैक्टिसेस करें, और अगर पेन नहीं है या धीरे धीरे पहला पार्ट अभ्यास करने के कुछ हफ्तों बाद आप दूसरा पार्ट अभ्यास करें, जिसमें हम स्पेसिफिक योगासन का अभ्यास करेंगे, जिससे कलाइयों पर, कुहरियों पर थोड़ा बल देंगे, जिससे कि उनमें मजबूती आए उन मसल्स पे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका शुक्रिया, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। और हाँ, अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, तो ज़रूर मुझे इन दोनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट्स डालती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और उंगलियों को बाहर की तरफ खींचें, ऐसे खींचें, 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 और फिर ऐसे मुट्ठी बनाएं, खींचें, मुट्ठी बनाएं, खींचें, मुट्ठी बनाएं। हर एक अभ्यास को 5 से 7 बार आपको करना है इस तरीके से, और जब उंगलियों को खोल लें तो फिर इस तरीके से जैसे शेर के पंजे होते हैं ना, इस तरीके से ऐसे होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद उंगलियों में टेंशन हो गई होगी, उंगलियों की टेंशन को दूर करें, कलाइयों की टेंशन को दूर करें इस तरीके से। अब ओपन करें, मुट्ठी बनाएं, और मुट्ठी बनाने के बाद इन मुट्ठियों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जैसे बाइक चलाते हैं ना, एक्सेलरेट करते हैं बाइक को इस तरीके से, ऐसा 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 ऐसा। अगर कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो बिना किसी वेट के करें, और अगर आपके कलाइयों में थोड़ा सा कम दर्द है या कि फिर वेट उठा सकते हैं तो आप 1 kg के डंबल्स भी उठा के अभ्यास कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद हथेलियों को छत की तरफ घुमाइए, मुट्ठी बनाइए और अंदर की तरफ, एल्बो को कुहनी के पास रखें, अंदर की तरफ, ऐसा 1 2 3 4 5। इस तरीके से अभ्यास करने के बाद अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुमा दें ऊपर नीचे, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। आप चाहें तो ये अभ्यास सारे डंबल्स की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी उतने छोटे डंबल तो नहीं हैं, 3 kg के डंबल है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाले होंगे, तो 3 kg का नहीं बल्कि 1 से 2 kg का डंबल आपके लिए सही होगा, जितना वेट आप आसानी से उठा सकें इस तरीके से। 1 ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऊपर घुमा दें अंदर की तरफ, ऐसा ऐसा, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, ऐसा, और फिर अप एंड डाउन, ऐसा 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 ऐसा। तो इस तरीके से अभ्यास आप डंबल की मदद से कर लें या बिना डंबल के सहारे, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अब मैंने डंबल्स को रख दिया है किनारे। अब हमने अपनी कलाइयों को, उंगलियों को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लिया है। अब ज़रा हथेली को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, उंगली का दबाव हल्का सा अंदर की तरफ देते हुए पूरी कलाई और उंगली पर जो टेंशन हुई होगी उसको रिलीज़ करें, ऐसे अंदर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सारे अभ्यास करेंगे ताकि हम इन जॉइंट्स पर इस तरीके से फोकस कर पाएँ। हर एक अभ्यास को कम से कम 5 से 7 बार कर लीजिएगा, या डिपेंड करता है आपके पास कितनी टाइम की अवेलेबिलिटी है। ऐसा इस तरीके से, ऐसा, फिर उंगलियों को ऐसे ढीला छोड़ें। तो उंगलियों और कलाइयों का सीधा संबंध हमारे पूरे के पूरे हाथ से होता है, तो इससे हाथ में आपके मजबूती भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अब क्या करेंगे, अब हम अपने कुहनियों पर काम करेंगे। दोनों हाथों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लिया, अब अपने हाथ को थोड़ा सा उठाएं और दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे के ऊपर ऐसे लेके आएं, ऐसा ओपन करें, क्लोज करें, आउट इन, आउट इन, आउट इन। कोशिश करें एल्बो को पूरी खोलने की कोशिश करें, इससे एल्बो का जो पेन है, टेनिस एल्बो जैसी समस्या है, उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अब बॉडी के सामने करने के बाद इस तरीके से साइड में, ऐसा साइड में,
1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इतना अभ्यास कर लिया, बहुत अच्छा हो गया कोहनी और कलाइयों के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं, जिसमें एक घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ, और आप मेरी निगरानी में रह के आसन, प्राणायाम, ध्यान, लाइफस्टाइल को किस तरीके से सही करना है ताकि आपका पूरा का पूरा दिनचर्या सही हो, आपकी डाइट किस तरीके की होनी चाहिए, ये सारी की सारी गाइडेंस आपको मिलती है। और जब ये सारी गाइडेंस मिलती है तो किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन, जैसे कि आपका थायराइड, आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, फर्टिलिटी का इशू, अत्यधिक मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएँ, रात में नींद नहीं आना, या कि फिर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना, ये सारी चीज़ें इन क्लासेस में कवर होती है। और आपको एक बात बताऊँ, मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ना, इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं, अपनी हेल्थ कंडीशन से उभरने में उनको मदद मिली है। मेडिकेशन तो कुछ लोगों की बहुत हद तक कम हो चुकी है। अब किसी कारण से अगर आप ये लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं डेवलप किए हुए हैं, जो कि मेरी वेबसाइट पर एक्सक्लूसिव अवेलेबल हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने घर के कंफर्ट जोन में अपनी योगा मैट बिछाइए, उस वीडियो को चलाइए और फिर एक घंटे का अभ्यास नॉनस्टॉप कीजिए एंड यू आर डन फॉर द डे। सबसे अच्छी बात है कि इन लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन को आप अपने घर के कम्फर्ट जोन में ही रह के अभ्यास करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, कहीं आपको बाहर नहीं जाना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासेस और कोर्सेज के बारे में आपको और जानकारी मिल जाए तो फॉर मोर डिटेल्स विजिट माय वेबसाइट, दैट इज़ www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। चेकआउट अभी मत कीजिए, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए देख लें, फिर उसके बाद जाके वेबसाइट को भी विजिट करें या कि फिर एक व्हाट्सएप करके क्लास की सारी जानकारी लें। एक्टिवेशन करने के बाद दूसरा अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है कफोनी शक्ति विकासक। कफोनी यानी आपकी एल्बो, शक्ति विकासक यानी इनकी स्ट्रेंथ डेवलप करना। तो अपने हाथ की दोनों मुट्ठियां इस तरीके से बनाएं, एल्बो को अपने इसके छाती के साइड में रखें इस तरीके से, हथेलियां मेरी छत की तरफ ऐसे मुड़ी हुई हैं इस तरीके से। अब क्या करें आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक पंचिंग बैग है, ठीक है, जिसमें आपको पंच मारना है, और पंच मारते वक्त हथेली, मैंने इसीलिए बताया कि छत की तरफ है, ऐसे मुट्ठी बनाई, और मुट्ठी बनाने के बाद ऐसे पंच करना है। तो आप देख रहे हैं कैसे एल्बो घूमी, ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे, है ना। पंच किसी को मारते ऐसे तो नहीं मारते, ऐसे मारते हैं ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से पंचिंग करनी है ऐसे, 1, 2, बहुत आराम आराम से ये प्रैक्टिसेस अगर आप हमेशा करते रहे ना तो आपके हाथ में देखिएगा कितनी गजब की मजबूती आती है, और कोई भी दर्द है वो कैसे छू मंतर होता है। इसका भी अभ्यास दोनों हाथों पर 8 से 10 बार कर लें ऐसे। इससे आपके कुहनी कलाई मजबूत होती है, आर्म्स मजबूत होते हैं, ऐसा 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 ऐसा। सांसों को सिंक्रोनाइज करके करेंगे तो सांस लिया और सांस छोड़ा, ऐसा। तो सांसें भी साथ में हो गई अभ्यास, और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आपके कुहनियों पर देखने के लिए मिलेगा। अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं ना, इससे जितनी भी टेंशन हुई है अभी सारे अभ्यासों में, उन सब को छू मंतर करेंगे। उंगलियों को ऐसे फंसा लिया, छाती के सामने रखा, और दोनों पाम्स को टर्न कर दिया बाहर की तरफ, धीरे 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 ऐसे खींच रहे हैं ऐसे बाहर की तरफ। फिर उसके बाद दोनों हाथों को छाती के सामने वापस बाहर की तरफ खींचिए 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 खींचिए, और फिर टर्न योर पाम्स इन, सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए इन, सांस लेते हुए आउट, सांस छोड़ते हुए इन, सांस लेते हुए आउट, सांस छोड़ते हुए इन, सांस लेते हुए आउट और सांस छोड़ते हुए इन।
तो इसका अभ्यास 10 से 15 बार आप अभ्यास कर लेंगे तो आपकी कुहनियाँ कलाई इनमें बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेशन हो गया। एक दुपट्टे की मदद से अगले सारे अभ्यास करेंगे। तो दुपट्टा तो हम सभी के यहाँ मिल जाता है, और अगर आप को दुपट्टा ना मिले तो यू कैन गेट योर बेल्ट, जो मतलब कमर पे लगा के जाते हैं, तो आप अपनी बेल्ट ले लें। मेरे पास ये दुपट्टा है और इस दुपट्टे को मैंने कर लिया ऐसा टू फोल्ड, और टू फोल्ड करने के बाद मैंने कर लिया फोर फोल्ड, यानी इसको चार बार इस तरीके से ऐसे लपेट लिया इस तरीके से, और इसको बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच किया ऐसा इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ऐसा ऐसा 8 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। कुहनियों में, बाजुओं में अपने आप मजबूती देखने के लिए मिल जाएगी। अब क्या करें, अब अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे रखें और थोड़ा सा और अंदर की तरफ पकड़ें, जिससे कि दोनों हाथों के बीच में कंधे जितना फासला हो जाए, और ऐसे घुमाएं ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से अभ्यास करने के बाद अब अपने हाथ को ऐसे ट्विस्ट करें, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना वैसे। तो इन सभी अभ्यासों को 5 से 7 बार, 8 से 10 बार अभ्यास कर लें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब अपने दुपट्टे को फोर फोल्ड किया था ना, आप टू फोल्ड कर लें इस तरीके से, और थोड़ा सा अपने कंधे के, अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को ना कंधे के साइड में रखें इस तरीके से थोड़ा। इसीलिए मेजरमेंट मैंने बता दिया कि दोनों हाथों को जब कंधे के पास लाएंगे तो ये इस तरीके से इतनी दूरी पर होंगे। अब दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, और फिर उसके बाद ऐसे, तो आपका लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट फिस्ट आपका राइट शोल्डर की तरफ आ गया, और ऐसा 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 ऐसा। तो जो ये मेजरमेंट मैंने बताया था, इस मेजरमेंट के हिसाब से सांस लिया सांस छोड़ा, सांस लिया सांस छोड़ा, एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। तो इतना अभ्यास करने से आपको बहुत इफ़ेक्ट में दिखाई दे रहा होगा आपके एल्बो पर। अब ज़रा दोनों हाथों को बॉडी के ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, और अब इसके बाद आपका राइट मुट्ठी लेफ्ट कंधा, और सॉरी लेफ्ट मुट्ठी राइट कंधा, और राइट मुट्ठी लेफ्ट कंधा, ऐसा ऐसा, राइट फिस्ट लेफ्ट शोल्डर, और लेफ्ट फिस्ट राइट शोल्डर इस तरीके से, लेफ्ट फिस्ट राइट शोल्डर, और राइट फिस्ट लेफ्ट शोल्डर, ऐसा पीछे की तरफ ऐसा। ये ध्यान दीजिए, ऐसा पीछे जा रहा है, ए ऐसा पीछे जा रहा है, कान के पीछे हाथ जा रहा है, ताकि बहुत अच्छा खिंचाव हुआ है कंधे पर भी, और अपर बॉडी पर और कुहनियों पर, तो इसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा इस तरीके से। ऐसा बहुत आराम आराम से अभ्यास करना है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इंटेंसिटी कम कर लीजिएगा, नंबर ऑफ जो रिपीटेशन कर रहे हैं, राउंड्स कर रहे हैं, उसको कम कर लीजिएगा, और इतना करने मात्र से आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलने वाला है। दूसरे पार्ट में हम ज़रा अपने रिस्ट एल्बो शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। अगर आपके हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो फिर दूसरे पार्ट को करते वक्त आप एहतियात रखिएगा कि जहाँ पर जो प्रैक्टिस ना हो पाए आप उसको स्किप कर दीजिएगा। तो आराम से अपनी योगा मैट पर इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं, ऐसे दोनों घुटनों के बीच में फासला है और दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से ऐसा कंधे जितना फासला है। अब बॉडी का वेट ऑलरेडी हमने अपने दोनों कलाइयों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। हल्का सा बॉडी का वेट अपने कलाइयों की तरफ ऐसे आगे लेके जाएं और फिर पीछे लेके आएं, ऐसे आगे लेके जाएं और पीछे लेके जाएं, 1 exhale 2 exhale इनहेल एंड एक्सेल से हम अभ्यास करेंगे शशांक आसन का। तो दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा फासला रखिएगा, दोनों टो को एक दूसरे की तरफ लेके आइएगा, और फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसे शशांक आसन में बैठें और फिर टेबल टॉप पोजीशन पे आएं, ऐसे शशांक आसन में जाएं और फिर टेबल टॉप पोजीशन पे आएं। इसका अभ्यास भी 8 से 10 बार करने से आपको बहुत मदद मिलेगी आपके हाथों पर स्ट्रेंथ लाने में इस तरीके से, ऐसा ऐसा।
फिर उसके बाद जब कुछ दिनों का ये अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद टेबल टॉप पोजीशन से टाकी इस तरीके से ऐसा, और सर को दोनों बाजुओं के बीच में इस तरीके से लेके जा रहे हैं जिससे शरीर का जो भार है थोड़ा सा आपकी हाथों पर आए और इससे आपके हाथों पर स्ट्रेंथ मिले। ब्रीदिंग करते रहेंगे नॉर्मल, कम से कम इस पोस्चर को 5 सेकेंड या 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे, और जब फिर अभ्यास हो जाए तो फिर अपने घुटनों को ड्रॉप करें और आराम से अपनी योगा मैट पर इस तरीके से हेड ड्रॉप कर दें, घुटनों को अलग कर लें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं घुटनों को अलग कर लें और हेड डाउन कर लें इस तरीके से ऐसा। ये अभ्यास करने के बाद अब आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का। तो आराम से अपनी योगा मैट पर इस तरीके से ऐसे लेट गए हैं और फिर उसके बाद दोनों एड़ियों को जोड़ लिया है, टो को ऐसे बाहर की तरफ कर दिया है इस तरीके से, टो को बाहर की तरफ कर दिया है, दोनों हथेलियों को अपने छाती के साइड में रखा है और फिर उसके बाद सांस लेते हुए धीरे 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 बॉडी का वेट अपने दोनों हाथों पर शिफ्ट कर दिया और बैलेंस कर रहे हैं, छत की तरफ देख रहे हैं, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, सांस लेते हुए अप और सांस छोड़ते हुए डाउन। इसका अभ्यास कम से कम 8 से 10 बार आपको करना है ऐसे। जब ये अभ्यास हो जाए और आप भुजंगासन का अभ्यास करने में कंफर्टेबल हो, मैंने बार बार बोला कि अगर कंफर्टेबल हो तभी अभ्यास करें। अब आप क्या करेंगे कि भुजंगासन का अभ्यास करने के बाद हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन में जो आपके हाथों की पोजीशन होती है वो इस तरीके से आप घुमाते हैं इस तरीके से ऐसा, ताकि नेल्स जो हैं वो फ्लोर की तरफ हों और हथेलियाँ बॉडी की तरफ हों, और ऐसे इस तरीके से ऐसा, और अपने चिन को मैट पर ड्रॉप करने के बाद अपनी एक एक पैर को उठाएंगे ऐसा और फिर ड्रॉप करें ऐसा अप और फिर ड्रॉप करें। तो इस तरीके का अभ्यास 5 से 7 बार कर लें इस तरीके से, सांस लें और सांस छोड़ें, 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 फिर उसके बाद अपने हाथों को रिलीज कर दें और फिर उसके बाद लेट जाएं शवासन में। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सूक्ष्म व्यायाम सिखाए और फिर कुछ दिनों के बाद जब आपका स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए तो आसनों का अभ्यास सिखाया। इनको आप निरंतर अभ्यास करते रहिएगा ताकि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स कुछ ही हफ्तों में देखने के लिए मिले। आशा करती हूँ मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कैसा लगा प्रयास, मेरी कोशिश कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर किसी कारण से चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस वीडियो को चाहते हैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी फ़ायदा मिले तो कॉपी करके इस वीडियो के लिंक को उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, भेज दीजिए। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, आप सभी अपना ध्यान रखें, नमस्ते।